कर्नाटक के हासन से सांसद प्रज्वल रेवना शुक्रवार तड़के जैसे ही बेंगलुरु के केंपगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेडीएस के निलंबित सांसद प्रज्वल पर दर्जनों महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करने और उसका वीडियो बनाने का आरोप है। हासन में हुई लोकसभा चुनाव से पहले रेवना का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद वह पुलिस की गिरफ्त में आने से बचने के लिए 27 अप्रैल को जर्मनी भाग गए थे। कर्नाटक पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT को इंटरपोल से प्रज्वल रेवना के भारत आने की जानकारी मिली थी। इसके बाद SIT, बेंगलुरु पुलिस और इमिग्रेशन अधिकारी शुक्रवार तड़के एयरपोर्ट पर पहुंचे और एयरपोर्ट की घेराबंदी कर दी गई। रेवना की फ्लाइट जैसे ही लैंड हुई, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद SIT प्रज्वल रेवना को बेंगलुरु में CID कार्यालय लेकर पहुंची। यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे निलंबित JDS नेता रेवना को यहां मेडिकल टेस्ट के लिए लाया गया। दिलचस्प बात यह रही कि रेवना को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस की एक टीम गिरफ्तारी की वारंट की तामील करने के लिए एयरपोर्ट पर तैनात रही। इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व 2 महिला IPS ने किया। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक SIT की टीम में सभी महिला सदस्य शामिल थी। यही टीम रेवना की गिरफ्तारी के बाद उन्हें CID ऑफिस भी लेकर आई थी। प्रज्वल रेवना की गिरफ्तारी के लिए महिला टीम को भेजकर प्रतीकात्मक संदेश देने की कोशिश की गई है। प्रज्वल ने पूर्व प्रधानमंत्री का पोता होने, एक सांसद होने और कर्नाटक की एक बड़ी पार्टी के नेता होने के रौब में सत्ता का दुरुपयोग करके कई महिलाओं का शोषण किया, लेकिन महिलाओं को कानूनी कार्रवाई करके उसे गिरफ्तार करने का भी अधिकार है, यही महिला टीम ने संदेश दिया है। इसके पीछे का एक संदेश यह भी माना जा रहा है कि एक तरफ प्रज्वल ने कई महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें यौन शोषण का शिकार बनाया, लेकिन महिलाएं कमजोर नहीं होती और वे किसी से डरती भी नहीं है, यह भी इसका एक मुख्य संदेश रहा। गिरफ्तारी के बाद अब प्रज्वल से पूछताछ की जाएगी और इस अपराध में शामिल अन्य लोगों के नाम जानने का भी प्रयास किया जाएगा। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं बेंगलुरु से हमारी संवाददाता नेहा। पूरे 35 दिन के बाद प्रज्वल रेवना कल रात बेंगलुरु लौटे और सीधा पुलिस के हाथ सौंप दिए गए। यहाँ पे जहाँ पे CID ऑफिस से हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कल रात को SIT ने उसकी गिरफ्तारी की। यहाँ पे मामला अहम ये है कि जैसे ही पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की, आज उन पे मेडिकल टेस्ट किया जाएगा उनका, और दूसरी बात उनको कोर्ट में भी प्रोड्यूस किया जाएगा। आज उनके मेडिकल टेस्ट में ये सारा इंपैक्ट आगे आएगा, क्योंकि उन पे काफी गंभीर आरोप लगे हैं यहाँ पे बलात्कार और सेक्सुअल हरासमेंट के। दूसरी बात, जैसे ही पुलिस आज उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, वो पुलिस कस्टडी सीक करेंगे और यही मांग करेंगे कि उसको पूरे तरह से जांच करने के लिए। ये मामला, सारे विक्टिम्स ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं यहाँ पे, इसी के लिए कस्टडी मांगेंगे। देखना होगा कि ये पूरा मामला आगे कैसे बढ़ेगा और पुलिस को जो एविडेंस मिला है इससे पूरे देवेगौड़ा फैमिली पे कितना असर पड़ेगा। SIT अब प्रज्वल रेवना से वायरल वीडियो और महिलाओं के शोषण को लेकर पूछताछ करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते प्रज्वल पर 33 महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है। इसके कई वीडियो कर्नाटक में वायरल हुए थे, इसके बाद से ही वे कर्नाटक पुलिस के निशाने पर थे। इस बीच JDS ने उन्हें पार्टी से भी निष्कासित कर दिया है। प्रज्वल रेवना के खिलाफ कई अलग अलग संगीन धाराओं में केस दर्ज है और अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि महिलाओं को अब न्याय मिल सकेगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।